होती हैं, उनको कैसे डेवलप होती हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम एक सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आज सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो एज ए उसमें ना तो एक टॉपिक है हमारा इलिटरेसी। इलिटरेसी जो हमने पहले पढ़ा था टॉपिक में, जो सोशल प्रॉब्लम है, तो आज हम इसको इलिटरेसी को थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन आपको देंगे, इसके जो कॉजेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं, और इसके जो फैक्ट्री इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और इसको सॉल्व आउट करने के लिए इसके क्या सोल्यूशंस हैं, ठीक है, क्या इसकी आप जो ऐसे क्या कौन से एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं कि आप जिनको अगर उठाया जाए, लिया जाए, उन स्टेप्स को आप किया जाए, तो हम उसको इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हैं, इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इलिटरेसी के बारे में पहले आते हैं। इलिटरेसी क्या है? इलिटरेसी ऐसा है कि इसकी तारीफ अगर हम करें इलिटरेसी की, इलिटरेसी में क्या होता है, ऐसा शख्स या ऐसी चीज़ जो एक पैराग्राफ को एक किसी भी लैंग्वेज में स्टडी ना कर सके, ठीक है, उसको पढ़ ना सके और उसको समझ ना सके, तो वो इलिटरेट पर्सन कहलाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ पाकिस्तान 2017, ठीक है। इसके अलावा जो 1998 का 1998 का जो सेंसस हुआ था पाकिस्तान का, उसमें 45% जो आपके लिटरेसी रेट था, और 55% जो आपका था वो इलिटरेसी था, इलिटरेट पीपल है 55% अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस ऑफ पाकिस्तान। तो इलिटरेसी का हमने बताया आपको, डेफिनेशन बताइए आपको, इलिटरेसी क्या है, इलिटरेसी कैसी चीज़ है, ऐसा है, ऐसा एक सोशल प्रॉब्लम है कि जिसमें कोई भी बंदा किसी पैराग्राफ को ना रीड आउट कर सके, ना उसको समझ सके कि उस पैराग्राफ में कहा क्या गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग उससे तो नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं इलिटरेसी। तो इसमें अब क्या होता है, अब लिटरेट हम क्या है कि जो लिटरेट पर्सन है, जो एजुकेटेड पर्सन है, उस वो इसके वाइस वर्सा होगा, इसके इन बरक्स होगा। उसमें क्या होगा कि ऐसा शख्स जो किसी पैराग्राफ को किसी लैंग्वेज में रीड कर सके और उसको समझ सके, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन में जो है ऐसा है कि वो इसके अलावा क्या होता है, एजुकेटेड पर्सन के मूड्स ऑफ लाइफ जो है, हमारी लाइफ के जो डिफरेंट मूड्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके, उनके बारे में वो आगाही रखता हो। तो हम टिपिकली अगर हम क्या कहते हैं एजुकेटेड पर्सन को बोलते हैं कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिसने एडमिशन लिया हो, वहाँ से वो पढ़ा होगा, उसको एजुकेटेड पर्सन कहते हैं टिपिकली। लेकिन क्या है जो इसकी डेफिनेशन एजुकेटेड पर्सन की, वो सिंपली ये है कि ऐसा शख्स जो पैराग्राफ पढ़ सके, उसको रीड आउट कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, और आपके जो एक सोशल जो सॉरी और आपकी जो एक मूड्स ऑफ लाइफ है उनको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अगर हम जिस तरह देखें इलिटरेसी में क्या है कि अब इसकी जो कॉजेज हैं, कॉजेज में बाद में आएंगे, अगर हम इसकी एग्जाम्पल दें इलिटरेसी की, तो इसमें देखें रूरल एरियाज में अगर हम एक सोशल एस्पेक्ट को लें, एक सोशल एस्पेक्ट को लें, अगर हम ले लें ग्रेड सोसाइटी ग्रेड सिस्टम को ले लें, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को लें, तो वो ज़्यादा बिलोंग करते हैं रूरल एरिया से, लोग होते हैं वो, उनका प्रोफेशन भी जो होता है, वो सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो उसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो कल्टिवेटर्स होते हैं, वो जो मेजोरिटी है उनकी, वो लिटरेट नहीं होती, वो इलिटरेट होती है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जिसकी वजह से वो जो एक रिसेंट डिवेलपमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंगली जो एक टूल्स डिवेल्प होते हैं उनको ऑफ नहीं करते, उनको फॉलो करने से वो हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके बारे में उनको आगाही नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होती, ना उनको हाउ टू यूज़ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट और स्पेसिफिक टूल फॉर कल्टिवेशन, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती, जिससे वो हेजिटेट करते हैं। उसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है, उस लिटरेसी का रिजल्ट क्या रिजल्ट ये निकलता है कि आप वो लो पर कैपिटा उनकी जो है प्रोडक्शन होती है, लो पर एकड़ प्रोडक्शन होती है उनकी, पर एकड़ के हिसाब से जो उनकी प्रोडक्शन होती है इस पर एकड़ के हिसाब से वो बहुत कम होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, तो वो लोग जो होते हैं फार्मर्स जो कल्टिवेटर्स जो, वो इस काबिल नहीं होते कि वो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं या जो एक जदीद मशीनरी जो कल्टिवेशन के हिसाब से डेवलप हो चुकी है, जिसको यूज़ करके पर एकड़ प्रोडक्शन जो है इन्हेंस कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होती है, फर्दर सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होती हैं। जिस तरह से क्या है, अगर वो लो प्रोडक्शन होगी, वो अपनी डोमेस्टिक जो नेसेसिटीज़ है उनको मीट नहीं कर पाएगा, जब उनको मीट नहीं कर पाएगा तो वो अपने बच्चों को सही मायने में उनको जो उनकी एक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा, तो
उनकी रीच में क्या आता है, अच्छा खाना पीना, अच्छा लिबास उनका, क्लोथ्स आ गए उनके, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ है उनका, ठीक है, ये जो उनके डिफरेंट रूल्स ऑफ लाइफ है इनको वो नहीं समझ पाएगा और ना उनके अकॉर्डिंगली वो काम कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, तो एक चेंज चल पड़ेगी इलिटरेट पर्सन की, क्योंकि जब इसका भी नहीं है कि कुछ वो पढ़ा सके, इसकी प्रोडक्शन उसकी नहीं हो रही कि वो जो कुछ तालीम दे सके, किसी चीज़ स्कूल में एडमिशन कर सके उनका, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा कि वो डिफरेंट आपकी चेंज चेंज होती जाएगी, वो इलिटरेसी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये तो हो गए इसके एक एग्जाम्पल भी मैं आपको इलिटरेसी के इसके क्या है। अगर हम इसके काजिज क्या चाहिए इलिटरेसी के, इलिटरेसी कॉलेज में सबसे पहले कल्चर है आपका, जो हमने कल्चरल सोशल टैबूज बनाए हैं उनको, वो जो है बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं एजुकेशन को सही मायनों में सोसाइटी में प्रिपेयर होने के लिए, स्पेशली इन रूरल एरियाज। उसमें क्या होता है, कल्चर है हमारी सोसाइटी में, कल्चर है कि जो रूरल एरियाज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि अगर इनका बच्चा पढ़ गया तो वो एक अच्छा फार्मर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब वो पढ़ जाएगा तो उसको फार्मिंग नहीं आती होगी, कल्टिवेशन करना उसको नहीं आता होगा और ना वो उस प्रोसीजर से, उस प्रोसेस से गुजरा होगा, तो लिहाजा वो क्या होगा, अच्छा फार्मर नहीं बन पाएगा, अच्छी कल्टिवेशन नहीं कर पाएगा और जॉब उसको ऐसे मिल नहीं रही, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि वो जो कल्चर है वो कहते हैं इसी कल्चर में रहते हुए अपने बच्चे को काम कराया जाए, तो वो बच्चे उस एजुकेशन से के करीब तक नहीं जान देते, ना उसको हासिल कर देते हैं, तो ये कल्चर बहुत बड़ी घटी। इसके अलावा एक कल्चर है कि बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो जो सोशल टैबूज हैं, तो एजुकेशन जो है उसको जो है अपना, क्योंकि एजुकेशन जो है आपको सोचना सिखाती है, तालीम आपको सोचना सिखाती है, सवाल करना सिखाती है, सवाल जायज सवाल कर सिखाती है, बेतुके सवाल नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो उनको एक कल्चरली वो डर रहे होते हैं, टैबूज सोशल टैबूज उन्होंने बनाया होता है कि अगर तालीम हासिल कर गया तो ये हमारे यहाँ से निकल जाएगा, हमारे हाथ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेगा हमसे बिल्कुल, तो उसी लिहाज से भी वो ये ऐसे जो कल्चर वैल्यूज हमने बनाई होती हैं वो वैल्यूज हैं एजुकेशन को लिटरेसी को प्रिपेयर करने के लिए। इसी के इसमें कल्चर एग्रेसिव सोसाइटी आ गई। अगला है हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि लोगों की अप्रोच जो है बड़ी कंजर्वेटिव है, उनकी अप्रोच ये है कि तालीम हासिल करके तो इस तरह इन्होंने जॉब करनी नहीं, सही बात है ऑफिशियल जॉब चाहिए किसी को, टेबल चेयर वाली जॉब चाहिए होगी बच्चे को जो जो तालीम हासिल कर लेते हैं, तो वो जॉब्स तो सोसाइटी में या माशरे में है नहीं, अपॉर्चुनिटीज उनकी बहुत कम है, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए। तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि नहीं, ये उससे बेहतर है कि ये हमारे साथ खेतों में काम करें, फील्ड्स में काम करें, ताकि एक अच्छा फार्मर बन पाए, ठीक है। और इसके अलावा जो जो वुमेन्स होती हैं उनको भी ये लोग स्टडीज़ करने स्टडी करने से रोकते हैं, एजुकेशन हासिल करने से रोकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके हिसाब से जब वो लड़की जो है वो एक ऐसी एक बंद की हुई चीज़ है, उसको एक माशरे में घर में बस बंद रहना चाहिए, उसको तालीम हासिल करने के लिए बाहर रहने मिलना चाहिए, जो सोशल टैबूज़ के सोशल वैल्यूज के नॉर्म के खिलाफ है, जबकि वो उस हदीस को आपसे की हदीस को भूल जाते हैं जिसमें वो आपको पता है कि तीन मासिक करो शायद तो चीन तक में जाना पड़े। तो इस तरह की जो कंजर्वेटिव अप्रोच है आपकी जो एक वैल्यूज़ हैं जो ना इस्लाम से रिलेट करती हैं, ना सोसाइटी से रिलेट, ना डेवलप्ड सोसाइटी से रिलेट करती हैं, ना कानून के अकॉर्डिंगली होती हैं, सिर्फ क्या टैबूज होते हैं। इसके अलावा आपका क्या है, इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं जो आपको रोकते हैं, जब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को भी वो नहीं पढ़ने देंगे, जारी बात है उनको जो अवेयरनेस नहीं होगी एजुकेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेशन एक पॉइंट है आपका इसमें कि जो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं जो स्पेशल जो फादर होता है वो कहते हैं कि जो प्रोफेशन हमारे बहुत ज़्यादा चलता है हमारा बच्चा उसी प्रोफेशन को अपनाएगा, उससे जो उसको प्रेस्टीज समझते हैं अपनी, ठीक है, इसके इसीलिए बच्चे उसे ज़्यादा नहीं पढ़ने देते, तो उसी में ही वो कहते हैं कि इसलिए अभी आप संभालने का कारोबार है लिहाजा तो उसी प्रोफेशन में आएगा तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लो सोशल कॉन्टैक्ट है आपका अर्बन सिटीज़ के साथ, उनको टैक्स ना होने की वजह से, आना जाना ना होने की वजह से, एक सोशल इंट्रैक्शन ना होने की वजह से, एजुकेशन के बारे में नहीं मालूम होता आपको, तो ये बड़ी बड़ी रुकावट है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है जो कि लोगों को तालीम हासिल करने से रोकती है, उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती कि जिससे वो अपने बच्चों के वालिम के खर्चा बर्दाश्त कर सकें। इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं, इम्पैक्ट्स इसके ये पड़ते हैं, मतलब इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इम्पैक्ट्स इसके ये पड़ते हैं कि लो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, लोगों की जो डेवलपमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं होती, प्रेस्टीज है जो इंसान की एक इंडिविजुअल प्रेस्टीज होती है वो कम होती है, उसके सही रिस्पेक्ट नहीं मिलती उसको। इसके अलावा आपकी जो है इलिटरेसी जो पढ़ते हैं, आपके इकोनॉमी आपकी सफ़र करती है, आपका मुआशरा सफ़र करता है, आपकी क्राइम्स बढ़ते हैं,
ठीक है, टिकेट्स ही टिकेटीज वगैरह टिकेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके अलावा वायलेंस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन की तरफ आए, सोल्यूशन में क्या है, अवेयरनेस है सबसे पहले, हम लोगों को अवेयरनेस देनी है इस प्रॉब्लम से। ठीक है, ये प्रॉब्लम है लिटरेसी, इसको एक ऐसा जैक है जो हमारे भाषा को खाया जा रहा है, इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम उनको अवेयरनेस देंगे ताकि उसके पक्के वो हमारा साथ दे सके, सोसाइटी का, हुकूमत का, गवर्नमेंट का साथ दे सके, स्टेट मिशन का साथ दे सके उसको खत्म करने के लिए। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा लोगों का, एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या कुछ कंजर्वेटिव कुछ चीज़ है उनको खत्म करना पड़ेगा, उनकी जो सोशल टैबूज है उनको खत्म करना होगा। इसके अलावा लिटरेसी प्रोग्राम्स डिफरेंट कंडक्ट करने पड़ेंगे रूरल एरियाज में, डिफरेंट तहसील में। इसके अलावा फ्री एजुकेशनल सेमिनार्स कंडक्ट करने पड़ेंगे और लोगों को उसमें इन्वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी लोगों की, तो इसके लिए हम एनजीओ से भी जो है उनसे भी हेल्प ले सकती है स्टेट। इसके अलावा इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की तो जो अहमियत है उसको उजागर किया जाना चाहिए पुरानी आयात से, अहादीस से, और सोशल नॉर्म्स जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के वेलफेयर सोसाइटीज़ के सोशल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो आपके अपने लॉ के हिसाब से। तो चेंज द माइंड सेट इज द लास्ट ऑप्शन, जो लोगों का माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा तो उसके हिसाब से हम जो है इसी लिटरेसी कम कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है इलिटरेसी, जो पहले जिससे टॉपिक पढ़ा था हमने सोशल प्रॉब्लम सोशोलॉजिकल इशूज, ये ऐसी है कि आपको अगर आप इसको सही मैनर में स्टडी करते हैं, सही मैनर में अगर इसको पढ़ेंगे समझेंगे, ये चीज़ आपकी फ्यूचर कंपटीशन के एग्जाम्स में हेल्प आउट करेगी आपको। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, इलिटरेसी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इन सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर एक ना एक सीएसएस में आपका ऐसे लाजमी आता है इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप इसको सही मैनर में पढ़ेंगे, सही मैनर स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो अगर समझ नहीं आया तो मैंने आपसे पहले कहा कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं, वो सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, ये आपका स्पेशल इशू जो है इलिटरेसी, कई बार एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में आ चुका है। तो उसके करने के लिए सबसे पहले हम उसकी रूट कॉज में जाते हैं, कैसे पैदा हुई, उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े, उसके वजूहत क्या थी, उसका कॉजेज क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन शॉर्ट पढ़ा है, क्योंकि ये लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर, उसमें तो इन डेप्थ हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। तो एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, तो आपसे यही है कि आप इसको सही मैनर में स्टडी करें, जो क्वेश्चन हो आप कॉलेज में आके या अपना कमेंट सेक्शन में आप मजीद पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इंशाल्लाह आपको टॉपिक समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक साथ मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।